हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में एरे की बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम आज हम पिक कर रहे हैं। और इसमें पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यू हैव बीन गिवन एन इंटीजर वैल्यू एन। योर टास्क इज टू पॉपुलेट द एरे यूजिंग द इंटीजर वैल्यूज इन द रेंज 1 to n, बोथ इंक्लूसिव, इन द ऑर्डर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ, 8, 6, 4, 2, समथिंग लाइक दिस। सो अगर हम इस एरे को ऑब्जर्व करें तो ऐसा हो रहा है कि हमारा जो नंबर्स है पहले ऑड नंबर्स के फॉर्म में ही आगे बढ़ रहा है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड देन उसके बाद ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और बैकवर्ड डायरेक्शन में हम इवन नंबर्स को पिक कर रहे हैं, सो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसमें हम यूजुअली ये मान सकते हैं कि n/2 ऑड नंबर्स आएंगे और n/2 इवन नंबर आएंगे। ऑड नंबर को प्लेस करने के लिए हम लेफ्ट से राइट की तरफ आगे चलेंगे और इवन नंबर को प्लेस करने के लिए हम राइट से लेफ्ट की तरफ आगे चलेंगे। ऑलरेडी हमें पता है कि एन क्या है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो लास्ट इंडेक्स होगा वो n-1 होगा। तो इवन नंबर को जो हम प्लेस करेंगे तो n-1 इंडेक्स से पीछे की तरफ आएंगे और नंबर्स को प्लेस करेंगे। मान लीजिए कि एक छोटा सा हम लूप चलाते हैं फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ कंडीशन अभी हम डिसाइड कर लेंगे। अगर आई की वैल्यू 0 है तो हम आई के रेस्पेक्ट में ऑड नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आई की वैल्यू 0 है और हमने नंबर पिक किया 2i+1, तो पहला नंबर हमारा 1 आ जाएगा। और आई की वैल्यू अगर 1 है तो 2i+1 से नंबर 3 हो जाएगा। आई की वैल्यू अगर 2 है तो इससे ये 5 हो जाएगा। आई की वैल्यू 4 है तो इससे ये 7 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ऑड नंबर जनरेट होने लगेंगे लूप के काउंटर से। तो आपको करना क्या है कि एरे अगर आपने ए माना है तो ए एरे के आई इंडेक्स पे 2 × i+1 नंबर्स को आप प्लेस करेंगे। कंडीशन को डिसाइड करने के लिए जो हम नंबर जनरेट कर रहे हैं दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन। तो इसलिए हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि 2i+1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन व्हाइल जनरेटिंग दिस नंबर। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने ऑड नंबर्स को फाइंड कर लिया और उसको प्लेस कर दिया एरे में। जब हमें इवन नंबर को प्लेस करना है तो उस केस में हम एक दूसरा लूप चला सकते हैं। लेट से आई को फिर से हमने री इनिशलाइज किया है। लेट से आई की वैल्यू हमने n-1 से इनिशलाइज कर लिया, और इसके बाद एक जे हम ले लेते हैं जिस नंबर को हमें प्लेस करना है। चूंकि वो पहला नंबर इवन होगा तो हमने 2 से स्टार्ट कर लिया। कंडीशन अभी हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन हमें करना क्या है कि हमें पीछे की तरफ आना है। इसका मतलब कि i-1 हम करेंगे, तो जो नंबर हमें प्लेस करना है वो जे नंबर को प्लेस करना है। तो जे नंबर को हम प्लेस कर देंगे एरे के आई पोजिशन में और उसके बाद पीछे का कर लेंगे। इसके साथ साथ हमें जे को हर बार 2 से इंक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि अगर पहला इवन नंबर 2 है तो जो दूसरा इवन नंबर होगा वो 4 होगा। प्लेसमेंट के लिए हम इस तरह से प्लेस करेंगे, तो पहले n-1 इंडेक्स पे, उससे एक पीछे इंडेक्स पे 4, उससे एक पीछे इंडेक्स पे 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो कंडीशन इसमें क्या होगी कि जो हमारा नंबर जनरेट हो रहा है जे दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी, कट। तो जो कंडीशन यहाँ पे है वो उस कंडीशन के हिसाब से जो जे नंबर हम जनरेट कर रहे हैं दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन। एन से बड़ी क्वांटिटी ये नहीं होनी चाहिए। तो आइए इसको कोड करके देखते हैं। तो ये एक छोटा सा फंक्शन है, पॉपुलेट का फंक्शन। आप देख सकते हैं कि जो हमने अभी डिस्कस किया तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम वेक्टर ले रहे हैं ऑफ साइज एन। यहाँ पे मान लेते हैं कि एन इनपुट हमारा यूजर की तरफ से गिवन है। अगर आप सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप कॉन्स्टेंट साइज के एरे के साथ भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये जो वेक्टर है वो एक डायनेमिक एरे है। हम डायनेमिक एरे को भी वेक्टर एरे की तरह से ही ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें सिंपली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके और ऑड नंबर जनरेट करना है और एरे में प्लेस कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि एक जे लेना है जो कि इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और जब तक जे लेस देन और इक्वल टू एन है हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके प्लेसमेंट करेंगे नंबर्स का। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि एक आई हमने लिया जिसको n-1 से इनिशलाइज किया, क्योंकि हमारा पहला प्लेसमेंट इवन नंबर का लास्ट इंडेक्स पे होगा। जब तक हमारा जो प्लेसमेंट वाला नंबर है वो लेस देन और इक्वल टू एन है तब तक हम इस काम को करेंगे। एक नंबर को प्लेस करने के बाद पीछे पीछे इंडेक्स पे आ जाएंगे, इसलिए i-1 है। और जे जो कि इवन नंबर है उसको हर बार 2 इंक्रीमेंट कर देंगे जिससे कि नेक्स्ट इवन नंबर हमें मिल सके। एरे के आईएथ पोजीशन पे हम जे को स्टोर कर देंगे। फाइनली हम नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं।
सो आप चेक कर सकते हैं कि 0 से n-1 इंडेक्स तक हम नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए भी आप इस रिटर्न स्टेटमेंट को इग्नोर कर सकते हैं और हम यहाँ पे वर्ड लगा देते हैं इसका रिटर्न टाइप। बाकी फंक्शंस को आप इग्नोर कीजिए, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हमें केवल पॉपुलेट एरे की ज़रूरत है। तो सिंपली आप मेन चेक कीजिए, एक एन है जिसमें जिसको हमने यूजर से इनपुट कराया है और इस एरे को हम पॉपुलेट कर रहे हैं पॉपुलेट फंक्शन के थ्रू, केवल एन पास कर रहे हैं और ये जो पॉपुलेट फंक्शन हमारा है वो एन का इनपुट लेके एक एरे क्रिएट कर रहा है और प्लेसमेंट कर रहा है नंबर का। इसमें दो लूप्स हैं, पहला लूप हमें ऑड नंबर का प्लेसमेंट बता रहा है और जो दूसरा लूप है वो इवन नंबर का प्लेसमेंट बता रहा है। ऑड नंबर का प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और इवन नंबर का जो प्लेसमेंट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। रन करके देखते हैं, मान लेते हैं कि एन की वैल्यू हमारी 10 है। चेक कीजिए इसमें जो ऑड नंबर जनरेट हो रहे हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है 13579 और इवन नंबर जो जनरेट हो रहे हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है 246810। थोड़ा बड़ा एरे लेके देख चेक कर लेते हैं, दैट से हमने 20 साइज का या 25 साइज का एरे हमें चेक करना है। तो जस्ट चेक कीजिए कि 25 साइज का ये एरे है जिसमें ऑड नंबर आगे की तरफ जनरेट हो रहे हैं और इवन नंबर जो पीछे से आगे की तरफ वो बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक हमने इवन और ऑड दोनों साइज के एरे को ले लिया और ये हमारा बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।